आपके साथ अनुष्का। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर मंगलवार को नगर पूजा का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र में प्रतिवर्ष कलेक्टर माता को मदिरा का भोग लगाते हैं। कोरोना काल महामारी के दौरान शुरू चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने मदिरा चढ़ाकर प्रकोप से मुक्ति के लिए माता मंदिर में प्रार्थना की थी। तभी से चैत्र की नवरात्रि में भी यह परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार सुबह 24 खंभा माता मंदिर के महामाया और महालाया माता मंदिरों ने से नगर पूजा प्रारंभ हुई। पूजन के बाद यात्रा प्रारंभ हुई। इस बार यात्रा की आगवानी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी पुरी ने की। पूजन के बाद परंपरा अनुसार 27 किलोमीटर मार्ग में मदिरा को हांडी से में लेकर निकले, जिसमें रास्ते में आने वाले प्रमुख देवी मंदिर और भैरव मंदिरों में मदिरा की धार चढ़ाई जाएगी। यात्रा का रात 8 बजे अंकपात मार्ग स्थित हांडी फोर्ड भैरव पर यात्रा का समापन होगा। 24 खंभा मंदिर में माता महालाया और महामाया का पूजन सम्पन्न होने के बाद यात्रा अन्य मंदिरों में पूजन के लिए निकली। ढोल के साथ निकले संत महंत श्रद्धालु 12 घंटे तक 27 किलोमीटर के दायरे में आने वाले चामुंडा माता, भूखी माता, काल भैरव, चंडमुंड नाशिनी सहित 40 देवी भैरव व हनुमान मंदिरों में पूजा करेंगे। माता जी और भैरव जी को मदिरा का भोग लगाया जाएगा। वहीं हनुमान मंदिरों में ध्वजा अर्पित की जाएगी। ये उज्जैन में स्थित 24 खंभा माता मंदिर है। यहाँ पे दोनों माता जियों को मदिरा का भोग लगाया जाता है। ये राजा विक्रमादित्य के जमाने से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि उज्जैन उनकी राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन में कभी भी सूखा ना पड़े, अकाल मतलब ना पड़े, इसीलिए राजा विक्रमादित्य साल में 2 बार अष्टमी के दिन माताजी को मदिरा का भोग लगाया करते थे। वो परंपरा तब से अब तक यहाँ पे चली आ रही है। छोटी नवरात्रि के दिन उज्जैन के कलेक्टर महोदय और बड़ी नवरात्रि को नीलगिरी अखाड़े के अध्यक्ष जी यहाँ पे आके माताजी को मदिरा का भोग लगाते हैं उज्जैन की सुख शांति हेतु। आज नीलगिरी अखाड़े के अध्यक्ष महोदय आए थे, उनके द्वारा माता जी को मदिरा का भोग लगाया गया है। ये पूरी 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है। 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगती हुई जाती है। रास्ते में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर आते हैं उस सब पे माता का प्रसाद चढ़ता है। उज्जैन में सर्वप्रथम पूजा यहाँ पर होती है। इस पूजा का अंत अनपात मार्ग स्थित हांडी फोर्ड भैरव नाम का मंदिर है, वहाँ पर ये पूजा समाप्त हो जाती है। अभिषेक पूजा जी संक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।